और मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आई हूँ कार्निवल में। नमस्कार दोस्तों, महीना दिसंबर का मीठी मीठी ठंड, सुहावना मौसम, जिधर भी देखें कॉलेज हो या स्कूल, हर नव वर्ष के आगमन की तैयारियों में तरह तरह की योजना रहती है। अब हम हैं ग्रेटर नोएडा के स्वर्ण नगरी स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कार्निवल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव में स्कूल के छात्र एवं छात्राएं अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे और इस कार्निवल के अंदर क्या क्या लगे हुए हैं, कैसे झूला हैं, विभिन्न विभिन्न तरह के आइटम जो लगे हुए हैं उनकी तरफ हम आपको लेकर चलते हैं और वहाँ रूबरू आपके लिए कराएंगे क्या क्या हैं और क्या क्या बच्चों के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? जीडी गोयनका स्कूल के अंदर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे दर्शकों के लिए बताइए आप क्या करते हैं और कहाँ से आए हैं? मैं एपीजे स्कूल नोएडा की छात्र हूँ। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने जीडी में इसलिए लगाया है क्योंकि मेरा भाई भी यहाँ पढ़ता है, तो मुझे पता चला यहाँ कार्निवल हो रहा है। मैंने एक हफ्ते पहले एक काम चालू करा है ज्वेलरी का, ये ज्वेलरी है और ये वेस्टर्न ज्वेलरी है, हम दोनों में डील करते हैं। ये आप बाई हैंड क्या बोले, हैंड मेड से करते हैं? हैंड मेड चोकर्स हैं। कौन सा बताइए? वुवन चोकर्स होते हैं ये हाथ से बनते हैं, एक एक मीड हाथ से बनी है और बाकी ये सारे रेडीमेड हैं, ये हैंडमेड है, आप जैसे देख सकते हैं ये वाले बाकी सारा हम रिटेल में काम करते हैं। आप साथ पढ़ते हैं या? मैं एक्चुअली दूसरे स्कूल में पढ़ता हूँ पर हम लोग सेम सोसाइटी में रहते हैं, तो वी आर फ्रेंड्स। अच्छा जी, भाई भाटी जी, कार्यक्रम हो रहा है जीडी गोयनका स्कूल में, क्या आपके बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ से आए बताएंगे, अपना नाम भी बताइए। बच्चे पढ़ते हैं, मथुरापुर से आए हैं। अच्छा जी, और ये बच्चे मेरे इसी में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, और हम कार्यक्रम में आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के कार्यक्रम होने से क्या फ़ायदा मिलता है? जी, बच्चों को अलग अलग तरह की सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं और अलग अलग तरह हमारा कार्यक्रम जो आज चल रहा है बहुत अच्छा एक है, बच्चों के एन्जॉयमेंट के, एंटरटेन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये स्कूल हर साल करते हैं कार्निवल, बच्चे आते हैं, बच्चे खूब एंजॉय करते हैं, खाने पीने के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो वह बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ मैडम को, जो स्कूल प्रिंसिपल हैं, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। जीडी गोयनका स्कूल में लगे कार्निवल में हम लोगों ने एक स्टॉल लिया है जिसपे हम लोगों ने एक्सरसाइजिंग आटा चक्की ASY लगाई है। ये बहुत अद्भुत स्वास्थ्य यंत्र है जिससे आप 20 से 22 मिनट साइकिल की तरह इसको चलाते हैं और 1 किलो अनाज पीस पाते हैं और आपकी लगभग 300 कैलोरी बर्न होती है। इसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चना, मसाला, सारी चीज़ें डाले सब पीस सकते हैं हल्दी मिर्ची के साथ। तो ये हमारी ये चक्की है, अगर आप इधर देखें तो ये एक्सरसाइजिंग आटा चक्की है। घरों में क्या है कि बड़े स्तरों में छोटे छोटे मकान हैं तो लोग चक्कियाँ रखने की उनके पास जगह नहीं है, तो उन लोगों ने कहा कि अभी आपका आटा तो बड़ा कोल्ड प्रेस है, सारे इंग्रेडिएंट्स बचे रहते, क्यों ना आप जो हमें इसी तरह का आटा दें। उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने ये अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, द्विभुज आटा। ये बहुत कम RPM पे पिसता है और इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बचे रहते हैं, इसमें जितने भी विटामिन्स हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जो मिलों में पिसते हैं उनके सारे न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बचे रहते हैं और ये जो है बहुत कम RPM पे पीसा जाता है। हमारे यहाँ छोटी छोटी चक्कियाँ लगी हुई हैं उसमें पीसते हैं और वो चक्कियाँ ऑटोमेटिकली 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑटो कट हो जाती हैं और फिर उसके बाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने आप चल जाती हैं। तो ऐसे करके कई हमारी चक्कियाँ हमारे उसमें कंपनी में लगी हुई हैं जिससे इसकी पिसाई होती है। ये बहुत हेल्दी आता है, बहुत साफ़ सुथरा, पहले अनाज को धोते हैं, सुखाते हैं, फिर पीसते हैं। ये ब्रांड हमारे सारे बड़े स्टोर्स पर उपलब्ध है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा से फ्रेशली है, मोर एंड मार्ट है, Neat20 पे है, सारी जगह ये हमारा ब्रांड उपलब्ध है। क्या इसकी क्वांटिटी है? बताएं कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और आप एक गिटार बजाते हैं, जो कार्यक्रम हो रहा है इसके विषय में बताइए आप, क्या कार्यक्रम है? मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ और आज हमारे यहाँ पे क्रिसमस कार्निवल हो रहा है, तो एक कॉम्पिटिशन हो रहा है टैलेंट फेस्ट, गाना गाना और
क्या नाम है आपका? भविष्य में क्या बनना चाहते हैं आप, क्या इच्छा आपकी? मैं बड़े बड़े डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं कॉलेज से आई हूँ दिल्ली और मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आई हूँ पार्टी में एंजॉय करने के थोड़ा सा, और यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसे कैसा महसूस करते हैं आप लोग, आपके स्टूडेंट? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं प्राउड कर रही हूँ, क्राउड बहुत अच्छा है तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप बताइए आपका क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और क्या करते हैं, कौन सी क्लास में? मेरा नाम शिवम नागर है, मैं जी डी गोइंग काम ही पढ़ता हूँ, 12th क्लास में हूँ। जो कार्यक्रम हो रहा है इस कार्यक्रम में कोई आपने भी भागीदारी ली है या नहीं ली? मैंने कोई भागीदारी नहीं ली, पर हमारी क्लास के बच्चों ने स्टॉल लगा रखा है। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं जी पॉलिटिक्स बनना चाहता हूँ, नेता बनना चाहता हूँ। पॉलिटिशियन क्यों बनना चाहते हो? देश को सुधारने के लिए, जो आजकल के युवा लोग इधर उधर भटक रहे हैं उनको एक सही रास्ता दिखाने के लिए। ज़्यादातर स्टूडेंटों का जो सपना होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। मैं एक्चुअली मैं थोड़ा बैकवर्ड से बिलोंग करता हूँ, जहाँ लोगों को अभी भी एजुकेशन की सुविधा नहीं है, जहाँ लोग मतलब अभी भी थोड़े पीछे ही हैं, तो उनको आगे लेने के लिए जाना चाहता हूँ।